अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल जे। उम्मीद करदा सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होणगे। दोस्तों अज दा विलॉग शुरू करदे आं ते सब तो पहले मैं दोस्तों नूं दिखा रहा कि जिहड़ी आपां कबूतरी नवीं सुरखी रत्ती कबूतरी आपां जिहड़ी ला रहे हां ढांगी दे उत्ते, ते दोस्तों इहनूं अज दो दिन दो रातां हो गईआं ढांगी ते बांधे होए आं। ते अज दोस्तों आपां इहनूं छड्ड के थोड़ा इहदी ट्राई लाँगे वी इह अपने घर दे उत्ते लग गई जां नहीं लग गई। बांधदे हुण तां काफ़ी दिन हो गए। तो दोस्तों सब तो पहले आप छोटा बांस लैके उहदे उत्ते इहनूं बांधदे ते लम्मी डोरी करके इहनूं छड़ छड़ के वेखदे हां ढांगी दे उत्ते बहिंदी आ। अगर एवें बहेगी तो आप फिर इन्हें खोल के भी आज इंशाल्लाह इसे वीडियो तुम दिखावे छड़न का। अगर रहना तो रह जाएगी, नहीं तो यदि मर्जी। नवी कबूतरी आ उड़ती आई है अपने को, इस करके थोड़ी मेहनत ये उत्ते कर रहे हैं। तो दोस्तों छोटा बांस जो मैं लाना वा इन ला के उत्ते बांधने तो डोरी ये बन के वह दूरों छड़ छड़ के वेखा भी ढांगी उत्ते बहुत। इस तरह करते हैं कि इनू इतों खोल लिया वा तो हूँ इतने आप एक चिटा कबूतर बांधे रहे हैं पट्ठा उन्होंने बन के इनू लम्मी डोरी आ देख सकते हो। यह डोरी जी काली आप लत के नाल बन्नांगे तो इनू बन के उन्होंने हाथ फड़ लाँगे दूसरा सिरा तो इन छड़ छड़ के वेखांगे। काफ़ी तकरीबन 5 मीटर की हैगी है डोरी, तो वेखांगे भी ढांगी उत्ते बहन लग भी जो बहन लग भी हुई तो आप अभी खुली इंशाला छड़ांगे खोल के तो वेखांगे भी आँदी है या घर नहीं आँदी। तो एक बार मैं तुम थोड़ा शो करवा रहा दोस्तों यह वेख लो। दोस्तों यह पट्ठा जरा इन्ना बनते रहे पट्ठा जरा इस ढांगी लग गया वा, पहला दूसरे छड़ से लगा सगा ये पट्ठा इस टाइम इस ढांगी उत्ते उड़ के बह गया वा। तो लेकिन आप इनू बांधते हैं जी कबूतरी आप खोल के छड़ांगे नाल वेखो ठीक हो गया। इस तरह इनू बन के ढांगी आप इतों खोल लेंगे छोटे बांस लावांगे। दोस्तों छोटा बांस ये उत्ते इनू ला के बांधते हैं। जी दोस्तों यह तुसी डोरी वेख सकते हैं सारी डोरी ये नाल ते आप यदि लात नूं बन के कितों भी तुसी भी नवा कबूतर तुसी इस तरह लग्या कबूतर कितने छड़ना वा अपने घर लाना वा आही तरीका कार जिहड़ा साडे कोल आ। ऐ वेखो दोस्तों डोरी ये आप पैर नाल बनती है तो इनू ये दूसरा सिरा जिहड़ा आप हाथ फड़ लैंदे आ तो इनू आप डा के वेखदे भी उस ढंगी ते बहिंदी कि नहीं। ऐ दोस्तों ढंगी जिहड़ी खड़ी है उधर उत्ते ते आ दोस्तों कबूतरी इतों छड़ के इहदी रस्सी जिहड़ी सारी लो जनाब एक दफा छड़ी आ ते बह गई आ। ते एक दो दफा इहदी होर इहनूं उड़ा के भाग वेखदे आ जे बहिंदी होई ते फिर इहनूं आपां खुल्ली छड़ांगे। जी दोस्तों इहनूं आपां ना तां उच्चा सुट्टदे आ जिन्नी कि रस्सी उन्ना उच्चा जाएगी ते फिर वेखदे आ की करदी है। दोस्तों उम्मीद तो बड़ी है कि जी ढांगी तो लग गई है हूँ इतों नहीं जाती तो इनू फिर एक बार सुट्टदे तां। जी दोस्तों 3 बारी 4 बारी इनू आप इस तरह कर लिया वा तो हूँ इनू आप इस तरह करते हैं कि इनू वड्डे बांस के उत्ते ला के इस तरह एक बार ट्रेनिंग दे के मुड़ के इनू खुली छड़ते हैं। चल जाल आल तो जान लग पी है देखो ढांगी उच्चा कर दे। जी दोस्तों उच्ची ढांगी भी लाती वड्डा बांस लाता तो ऐ इत्थे बैठी जाल दे उत्ते जी दोस्तों ये भी इस तरह करते हैं आप मैं लगता छोटी है रस्सी फिर भी ट्राई मारते हैं।
लो जनाब इतों थलों छड़ी भी जाके फिर टांगी उत्ते बह गई है। हूँ आप इतों एक बार फिर हिला के वेख लें टांगी। जी दोस्तों तकरीबन ये ढांगी तो पक्की हो गई है। हूँ इन आप ला के तो इन रस्सी खोल के नहीं छड़ते। जी दोस्तों आ गई है। हूँ दोस्तों आप जो ना यदि रस्सी खोल के इनू छड़ के वेखते हैं तो जाल के आप कबूतर सारे खोल देने ताकि इतने ना भी बवे चलो घर आ जूगी। तो दोस्तों जाल के कबूतर सारे खोल देने जी दोस्तों कबूतर जो जाल के खोल दिए थे कबूतर मुठते हैं लंघे तो कोई नहीं फिलहाल जाल से आ गए हूँ इतों इन्हों उड़ाने हैं। हेलो जनाब हूँ खुली छड़ी है तभी जाके ढांगी के उत्ते बह गई है। तो हूँ इन्हों उतों ढांगी तो छेड़ते हैं फिर यदा सीन वेखते हैं अगला। जी दोस्तों उड़ा दी है कल उड़ाई है नाल कोई कबूतर नहीं अपना उड़ाया तो जाती पी है ते सीधी जा रही है। ये तो मुड़न का ना ही नहीं लै रही ओ सीधी जाती पी है बिल्कुल ही सीधी। तो दोस्तों थलो कबूतर छड़ने हैं कोई ये मुड़ते पी है। जी दोस्तों कबूतर जड़े मैं थलों खोले कोई ये भी खोलन डाल लगा मैं चीना भी कबूतरी जी परले महल चल गई है क्योंकि पहली दफ़ा तो उड़ी है वेखो हूँ आँदी या नहीं आँदी। जी दोस्तों कबूतर जड़े दो ते दो चार कबूतर आप डाल लगे हैं। अरे महाराज जी दोस्तों जिस हिसाब ना गई है उम्मीद कोई नहीं आन की क्योंकि सीधी पहले इधर गई है इस साइड में सीधी सीधी उतों घूमी सीधी फिर एन चल गई हूँ बस्ती के पल्ली साइड चल गई है। दोस्तों अपना तो जोड़ा कबूतर गया वह तो नहीं आया लेकिन एक बच्चा नवा आ गया वा अपने को नीली पूछ है तो लाल कंतर है मेरे ख्याल चिट्टी आखदा वा ए हूँ ही बैठा ही है रंगी के उत्ते बैठा आन के तो मैं तुम्हें दिखा फाड़ के शो करा जी अपनी कबूतरी होनी है जी। दूसरे नू थले लाने की कोशिश करते हैं जी दोस्तों यह बच्चा वा काली नोक आ खट्टी अख पंजे आते गुलाबी कंतर की हुई है तो जामनू पूछ आ। तो दोस्तों इनू थोड़े मसले मसायल आ उन्हों का भी इलाज मैं क्या चलो नाल दी नाल ही कर दीए जिदा होएगा ले जा भी सकता वा तो बरल आए एक तो नक् ते फोड़ी बनी है नक् दे उत्ते बिल्कुल एक आए दे सिर दे उत्ते बनी है उस तो बाद लत्तां जिहड़ियां ऐ भरिया हुई ने फोड़िया दे नाल ठीक हो गया। एक तो इनू आपां रैथोसीन गोली देने अद्धी जिहड़ा ना इनू नज़ले जुकाम तो ठीक हो गया इहदा नक् जिहड़ा पानी निकलदा पिया उस तो बाद ये आप फोड़ियों के उत्ते जो अपने को पिनकी बना के आप रखी हुई है वो इन्हों ला दें दोस्तों। बच्चा जिहड़ा ना जिथे तक मैनू शक है बच्चा साडा अपना ही है इतों ही गया वा
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਆ ਆਖਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੰਮ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੱਚਾ। ਉੱਦਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫੜਿਆ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਦੇਣੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਫੜਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਈਏ ਇਲਾਜ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਿੰਕੀ ਲਾ ਤੀ ਆਪਾਂ ਫੋੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।